आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से। मैंने इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश खेरा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस एल था ओसोन। सशक्त सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं एस एल था ओसोन। कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लेंगे एसएसबी। इसके बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म सशक्त सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। सशक्त सीमा बल की मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फकार हसन। जुल्फकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। जुल्फकार हसन नासिक कमल का स्थान लेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर ओलिवन। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। सेरियल सेडबर्ग का स्थान लेंगे। मेटा के बारे में जानकारी, मेटा फेसबुक का नया नाम है, यह एक सोशल मीडिया कंपनी है। यह 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बजराम बेगज। अल्बानिया के नवे राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगज। इलिर मोएटा का स्थान लेंगे। अल्बानिया देश के बारे में जानकारी, अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की करेंसी अल्बानियाई लेक है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा है। पिछले टॉप राष्ट्रपति नियुक्तियां, करेंट अफेयर्स रिविजन। सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर बूसिक बने हैं। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बूरमेहदेव बने हैं। रोड्रियो चॉप्स कोस्टा रिका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। बेन कार्स का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के बारे में जानकारी, इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिविजन। राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के एन राघवन बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक ट्रेडोस एडहेनोम बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महानिदेशक महाप्रबंधक वसीम खान बने हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार बने हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार राजीव आहूजा का स्थान लेंगे। आरबीएल बैंक के बारे में जानकारी, आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीएल बैंक की टैगलाइन, अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रबाब फतिमा। संयुक्त राष्ट्र की
अबर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बन गई हैं। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्तियां का रिवीजन। अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। तेल एंड प्राकृतिक गैस कंपनी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल बनी है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्बा टेरहो बनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ ए मणि मेखलाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन जे ओझा। एन जे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार एवं वयस्क के सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निर्देशक के श्री निवास मूर्ति बने हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बने हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के लिए नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निर्देशक बने। कृष्ण श्रीनिवासन चेंगोंग री का स्थान लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसके सदस्य देश 190 हैं। इसके अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। पिछले टॉप अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। भारतीय मूल के अतुल केशव को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेट्रोल निर्यातकों देशों के संगठन के महासचिव हैथम अल गेस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री पियारे ओलिवियर गोसिसन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक एमडी बने हैं। आलोक कुमार चौधरी अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। पिछले टॉप एमडी एंड सीईओ, उनके नाम का रिवीजन देख लीजिए, उनको करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा बने हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव प्रकाश बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ ए मणि मेखलाई बनी है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निदेशक विकास कुमार बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक एमडी बने हैं। आलोक कुमार चौधरी अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन।
पिछले टॉप एमडी एंड सीईओ उनके नाम का रिवीजन देख लीजिए, उनको करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ स्वरूप कुमार साहा बने हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव प्रकाश बने हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ ए मणि मेखलाई बनी हैं। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के नए प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार बने हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा बने हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर सुब्रमण्यम कुमार। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार बने हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार राजीव आहूजा का स्थान लेंगे। आरबीएल बैंक के बारे में जानकारी, आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीएल बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रबाब फतिमा। रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बन गई हैं। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्तियां का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन बनी है। तेल एंड प्राकृतिक गैस कंपनी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलका मित्तल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्बा टेरहो बनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ ए मणि मेखलाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन जे ओझा। एन जे ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार एवं वयस्क के सदस्य को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निर्देशक के श्री निवास मूर्ति बने हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बने हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी एस पाटिल। भिगमन गोड़ा सगन गोड़ा पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। भीमन गोड़ा सगन गोड़ा पाटिल बी विश्वनाथ शेट्टी का स्थान लेंगे। पिछले टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक राम बाबू प्रसाद बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक राजीव कपूर बने हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस एस मुंद्रा बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष संजीव बजाज बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। ये चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लेंगी। भारतीय प्रेस परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्ति का रिवीजन। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री दुल पुड़ी बनी है। उत्तरी कोरिया की महिला मंत्री विदेश मंत्री चो सन हुई बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद के मित्तल। प्रमोद के मित्तल सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमोद के मित्तल अजयपुरी का स्थान लेंगे। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमजा अब्दी बर्रे। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हमजा अब्दी बर्रे महमूद हुसैन रोबल का स्थान लेंगे। सोमालिया देश के बारे में जानकारी, सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोंगादिशु है। सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख महमूद हैं। पिछले अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे बने। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एंजिला बेथ बॉर्न बनी है। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब बने हैं। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव बने हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया के बारे में जानकारी, कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में स्थित है, एक देश है। इसकी राजधानी बोगोटा है। इसकी मुद्रा पैसो है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, सर्जियो मत्तारेला इटली देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। मोर्टन बोडस्कावो डेनमार्क देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं। निकारगुआ के नए राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टोगा बने हैं। चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेबियल बोराक बने हैं। होडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कस्त्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचि का कंबोज टी एस त्रिमूर्ति का स्थान लेंगे। यूएन के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीसा स्टालेकर। भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत बजाज। रंजीत बजाज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीजे पांडियान। डीजे पांडियान को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक नियुक्त किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, मुख्यालय शंघाई चीन में। इसके अध्यक्ष मार्कोस ब्रेडो ट्रायो जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
दिनकर गुप्ता, दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछले टॉप महानिदेशक से जुड़ी राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक SL थाओ सेन हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक संजीव कपूर हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा हैं। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंजीत बजाज। रंजीत बजाज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी DJ पांड्यान। DJ पांड्यान को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिर्देशक नियुक्त किया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी, मुख्यालय शंघाई चीन में। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्रेडो ट्रायो जो है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमजद अतेशाम सईद। अमजद अतेशाम सईद हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने जस्टिस मोहम्मद रफीक का स्थान लिया है। पिछले टॉप हिमाचल प्रदेश से जुड़े प्रश्न, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी जिले में बना है। हिमाचल भारत का पहला LPG युक्त और धुआंधार मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। उत्तर भारत का पहला बेम्बू विलेज गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति आयोग के बारे में जानकारी, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम शरण। श्याम शरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। श्याम शरण NN वोरा का स्थान लेंगे इंडियन इंटरनेशनल सेंटर। इसके बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं। इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। इंटेलिजेंट ब्यूरो के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष SS मुद्रा बने हैं। सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष निधि छिप्पर बनी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ में से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।